About 75, the year 75, I think, my father-in-law, Dr. T.C. Banerjee, and my husband, they were sitting in the clinic. And in the afternoon, one old lady came to the clinic and she wanted to meet my father-in-law. But she said, once you are over with all the patients, only then I will speak to you. So he said, all right. And when he was free, जब वो सारे मरीजों से फ्री हो गए थे तो उन्होंने कहा माता जी आइए। तो माता जी ने आके बैठी और बोली कि बाय दैट टाइम माय हस्बैंड हैड लेफ्ट द क्लिनिक बिकॉज़ इट्स टाइम वाज ओवर। तो माता जी से बाबू जी ने कहा बताइए माता जी क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा आपको मेरे साथ अयोध्या जाना होगा। तो बाबू जी बोले क्यों। तो बोले हमारे एक स्वामी जी हैं उनकी तबीयत बहुत खराब है, आपको उनको देखना है, उनका ट्रीटमेंट करना है। तो बाबू जी बोले कि आप ले आइए अपने उनको हमारे पास ले आइए, मैं यहाँ देख लूंगा, अच्छी तरह से देखूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो माता जी बोले कि बाबू जी आप पैसे की चिंता मत करिए, डॉक्टर साहब आप पैसे की चिंता मत करिए, आपको मेरे साथ जाना होगा, मैं उनको ला नहीं सकती, वो किसी से मिलते नहीं। तो बाबूजी को एकदम से स्ट्राइक किया क्योंकि थोड़े दिन पहले बाबूजी के पास कुछ बंगाली जेंटलमैन आए थे दो तीन लोग और उन्होंने बाबूजी से कहा था कि हमारे एक भगवान जी हैं उनके लिए जरा हम लोगों को एक मकान चाहिए, लेकिन उसके काफी स्पेसिफिकेशंस थे कि एक सिक्लूडेड जगह में हो और काफ़ी स्पेसिफिकेशन के साथ उन्होंने कहा बताया बाबूजी को कि हमको ऐसा घर चाहिए क्योंकि वो किसी से मिलते नहीं हैं। तो बाबूजी बोले तो इतने स्पेसिफिकेशंस के साथ मकान होना थोड़ा आई नीड सम टाइम। तो फिर ऐसे बात हुई और वो चले गए। तो जब माता जी ने बाबूजी को बताया कि वो भगवान जी किसी से मिलते नहीं हैं, आपको जाके उनका ट्रीटमेंट वही करना पड़ेगा अयोध्या, तो बाबूजी का दिमाग एकदम ठनका कि ऐसा तो नहीं कि क्योंकि इधर उधर से उन्होंने सुन रखा था, लोग बोलते थे कि यहाँ एक सन्यासी रहते हैं वो नेताजी हैं। तो बाबू जी का दिमाग एकदम ठनका, वो सीधे क्लिनिक से उठ के माता जी के साथ गाड़ी लेकर चले गए अयोध्या। और 1:30 बजे वो गए होंगे और इधर हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग लंच करेंगे साथ में, और वो हम लोग को कुछ बताए बगैर ही चले गए थे। जबकि इन लोगों का एक वो था कि कहीं भी दोनों फादर सन कभी भी कभी पेशेंट